छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उपाधि। इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ में होने वाले हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे कहते हैं? इन चारों में से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो छत्तीसगढ़ में आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम, पुलिस, पटवारी, एडीओ, छात्रावास अधीक्षक, उनका रिवीजन सेशन हो जाएगा। जितना आप पढ़ें उनको तैयारी करते रहिए और साथ में इसका आंसर बताते चलिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा आंसर हो जाएगा? राम गोपाल तिवारी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर प्यारे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, माधव राव सप्रे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संत गुरु घासीदास। जैत स्तंभ कहाँ है? तो बलौदा बाजार जिले में गिरौदपुरी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? छत्तीसगढ़ में जो कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चूड़ामणि साहब हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परशुराम सोनी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर जिले में सहकारिता के जनक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वामन राव लाखे को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का पहला तात्य तोपे कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुंडाधुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में इसको पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनकुराम सोढ़ी को कहा जाता है। बस्तर का गांधी और छत्तीसगढ़ का गांधी, ये अलग अलग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोपाल मिश्र को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आईएमपी है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं? छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं, इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पारणी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हीरालाल कपो उपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पारणी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के क्रांति के अंतिम शहीद कौन है? इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुरेंद्र साय, इनके अंतिम है और प्रथम कौन है? तो वीर नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भी साथ साथ इनका आंसर देते हुए चलेंगे। मध्य प्रांत के विधान पुरुष किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी घनश्याम सिंह गुप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फादर टी लोर। कब किया गया था इसकी शुरुआत? 1868 में प्रचार शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाचा के जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंडवानी के जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी झाड़ूराम देवांगन। वेस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार, वेरी वेरी आई एम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए निरुपमा शर्मा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोक कला के उद्धारक माने जाते हैं, इन चारों में से किससे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दाऊ राम चंद्र देशमुख को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोक कला के पुजारी माने जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी महासिंह चंद्राकर को लोक कला के पुजारी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक हैं, इनका राइट आंसर हो जाएगा ए वामम राय लाखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि इस मेरे वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।